फर्स्ट T20 मैच वन साइडेड क्लीन स्वीप करने के बाद दूसरी T20 में क्या होंगी हमारी स्ट्रेटेजी, उसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला T20 मैच सिप पेबली कैप्टन और मैडी विलियर्स VC वो काम करके दी जो मुझे उम्मीद था। मुझे मालूम था ये जबरदस्त स्पिन फ्रेंडली विकेट होंगी डबलिन की, और वहीं पे दूसरा T20 भी होगा और इस T20 को भी पहले T20 की तरह वन साइडेड PR फैमिली को क्लीन स्वीप करनी है। अगर हम बात कर लेंगे रिजल्ट को लेके तो 125 मेंबर में हमने रैंक 5 दी थी और 25 मेंबर में रैंक 4 दी थी, उसके अलावा तो वह 1-1-1 मतलब स्मॉल लीग में कोई हमारे आसपास नहीं थे, चाहे वो ड्रीम 11 हो चाहे वो XL 11 हो। XL पे भी मैंने 11 कंटेस्ट ज्वाइन किया था, 11 का 11 टीम मतलब कंटेस्ट मैंने विन किए थे। और मैं बताऊं सबसे बड़ी बात, इस मैच में मुझे फर्स्ट मैच से भी बेहतर फील आ रही है, बस यहाँ पे इंग्लैंड की टीम चेस करने चले जाए उसके बाद तो गेम की समीकरण बदल कर रख देंगे और बड़ी वाली क्लीन स्वीप आपको दे के चले जाएंगे। बाकी इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट भी करती हैं फिर भी हमारी जीत होंगी, ये आप गारंटी मान लो। नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूँ आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड ओमैन वर्सेज आयरलैंड ओमैन के बीच जो दूसरा T20 का मुकाबला खेला जाने वाला है डबलिन में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। वेन्यू स्टेट्स को लेके बात करें तो पहली मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे पहले बल्लेबाजी आती है इंग्लैंड की तो आपको दो गेंदबाज आयरलैंड की जरूर ट्राई करनी है, पहला एब्सर्गेंट दूसरा ए मैग्योर, ठीक है। अगर यहाँ पे चेस्ट करने जाती है इंग्लैंड की टीम तो आप ये मान के चलो इंग्लैंड की टीम सामने वाली टीम को 100 के आसपास रोक देंगी, उसको 2-3 विकेट गवा के चेस्ट डाउन कर लेंगे क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैवी है, चाहे वो सेरेन स्मिली हो या फिर आपको दिख जाएंगे ओपनिंग में करते हुए टैमी बिमोंट, बी स्मिथ या फिर पेज। पिछले मैच में हमारे लिए बी स्मिथ ने गजब की काम की थी, लेकिन अगर यहाँ पे इंग्लैंड फिर से पहले बल्लेबाजी करने जाती है मैं बी स्मिथ को कर सकता हूँ ड्रॉप और उनके जगह ले सकता हूँ पेज को। वो क्या स्ट्रेटेजी होंगी वीडियो के आगे मालूम चल जाएगा। औसतन स्कोर यहाँ पे होगा 100 से 110, हाईएस्ट टोटल 99, लोएस्ट टोटल यहाँ पे 81। अगर हम बात कर लेंगे वेन्यू अमेंस T20 स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेला गया 4, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 1, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम जीती है 3 मुकाबला। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने हाईएस्ट टोटल में पिछले मैच को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेंगे वुमेन्स T20 स्कोरिंग पैटर्न को लेके, बिलो इसको 150 बने हैं 3 टाइम्स, इससे ऊपर जो है 172-189 बने हैं 1 टाइम्स, वो भी लास्ट मुकाबला में बना हुआ था। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे रिसेंट मैच जो खेले गए उसमें कैसे क्या स्कोर बना है, सबसे लास्ट मुकाबला इसी सीरीज का 14 सितंबर 2024 को हुआ था, मतलब एक दिन पहले, जहां पे इंग्लैंड ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 20 ओवर में 176 10 विकेट नुकसान पे, आयरलैंड ओमैन 109 10 विकेट नुकसान पे 18.3 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 2 स्पिनर 6, सेकेंड इनिंग पेसर 4 स्पिनर 4 विकेट। इससे पहले 29 अगस्त 2012 को बांग्लादेश ओमैन लगाती हैं 20 ओवर में महज 96 6 विकेट नुकसान पे, पाकिस्तान ओमैन 99 4 विकेट नुकसान पे 16 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 1 स्पिनर 4, सेकेंड इनिंग पेसर 1 स्पिनर 3 विकेट। इससे पहले अगर हम बात कर लेंगे 29 अगस्त 2012 को तो आयरलैंड ओमैन पहले बल्लेबाजी करते हुए बोल्ड पे लगाती है 20 ओवर 81 रन 6 विकेट, जवाब में पाकिस्तान ओमैन 15 ओवर 1 गेंद 85 रन 2 विकेट। फर्स्ट इनिंग पेसर 0 स्पिनर 6, सेकंड इनिंग पेसर 2 स्पिनर 0 विकेट। पेस वर्सेस स्पिन अगर हम बात कर लेंगे, लास्ट के 4 ओमेंस T20 मैच यहां पे खेला गया, पेसर को मिला 12 विकेट, स्पिनर खाते में गई है 29 विकेट, मतलब स्पिन टू विन फॉर्मूला यहां पे काम करेंगी। जब आप ध्यान से देखोगे तो आयरलैंड ओमैन के पास लेफ्टी बिल्कुल ना के बराबर है, राइटी भरे पड़े हैं। जब राइटी भरे पड़े हैं मतलब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज सिप पेबली जो है जबरदस्त विकेट लेंगी और ऑफ ब्रेक गेंदबाज मैडी विलियर्स का थोड़ा सा रोल घटेगा, लेकिन स्पिन टू विन फार्मूला वाली विकेट है। और दूसरा मैच में तो पहले मैच में 20 विकेट मिलेगा, मतलब और गजब की स्पिन डाएंगी यहाँ पे, तो मैडी विलियर्स भी आपके लिए जबरदस्त पिक होंगी, साथ में कैप्टन VC की पिक रहने वाली है। T20 में बात करें दोनों टीम आमने सामने आई हैं टोटल 3 दफा, जहां पे इंग्लैंड ओमैन सारी दफा जीत गई है। इंग्लैंड ओमैन की लास्ट 5 T20 मैच को लेकर बात कर लें, विन 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 करके टीम आ रही है, वही आयरलैंड ओमैन लॉस विन लॉस लॉस विन करके आ रही है। फटाफट हम देखते हैं लास्ट मैच में, आई मीन T21 में जब दोनों टीम आमने सामने भिड़ी तो क्या हुआ था।
तो यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने बोर्ड पे लगा दी थी 176, वो भी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पे। वो तो भाई ताजुब की बात है ना। मैडी विलियर्स 35 और यहाँ पे जबरदस्त 25 और 58 की नौ खेल देगी गई थी बी स्मिथ 58 की थी 30 बॉल में 12 चौका, जिसमें इनका इजी सा कैच ड्रॉप हुआ था। गैबी लुइस के हाथ से गेंदबाजी कर रही थी यहाँ पे ओडला पिंटर गस्ट। फिर यहाँ पे बिमोन 27, सरन स्मिल 25, पेस 2, एडम 16, इनसे आप इस मैच में अच्छा खासा उम्मीद कर सकते हो। फिर आर्मिटेज 4, मैडी विलियर्स 35, सी पेवली 1 और एवंग की थी यहाँ पे 2-3 रन। ध्यान रखिएगा इनके पास जो है वो राइटी की दुकान है, तो लेग ब्रेक गेंदबाज आर्मिटेज भी कभी कभार कुछ ओवर डाल सकती है। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, एफ सर्गेंट 4 में 30 रन 3 विकेट, एक कैनिंग 4 में 35 रन 0 विकेट, ओडला पिंडरगस्ट 2 में 31 रन 0 विकेट, एडलिन कैली 2 में 23 रन 0 विकेट, ए मैग्योर 4 में 30 रन 3 विकेट, जेन मैग्योर 4 ओवर 35 रन 2 विकेट। बात करूं आयरलैंड की बल्लेबाजी में, हंटर की थी 1 रन, गैवी लुइस 2, पिंडरगस्ट 52, एल पॉल 2, स्टोकेल 0, फॉब्स 2, एडलिन कैली 1, एक कैनिंग 25 और जेन मैग्योर की थी 1 रन। गेंदबाजी में इधर से महिका गौर 3 में 23 रन 1 विकेट, कैटे क्रॉस 3 में 27 रन 1 विकेट, इसी वोंग 4 ओवर 1 मैडन 14 रन 2 विकेट। इनके अलावा पेवली हमारी कैप्टन 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, जॉर्जी आइडम्स 2 में 13 रन 0 विकेट और मैटी विलियर्स 2 ओवर 3 गेंद 9 रन 1 विकेट। रिस्क टेकर जी आइडम्स को कैप्टन वीसीबी देके जा सकती हो। इंग्लैंड ओमैन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर को लेकर बात करें, ओपनर बीमाउंट के साथ दिखेंगे बी स्मिथ, सरन स्मिल आएंगी, वन डाउन विकेट कीपर बल्लेबाज होंगी, जबरदस्त पिक होंगी। फिर आपको दिखेंगी पेज, जी एडम्स, हॉली आर्मिटेज, मैडी विलियर्स, कैटे क्रॉस, इसी वोंग, सी पेवली और महिका गौर। गेंदबाजी में सी पेवली, कैटे क्रॉस, आई वोंग, महिका गौर, मैडी विलियर्स 5 मेन बॉलर होंगी, असिस्ट करेंगी इनको जी एडम्स। अगर हम बात कर लेंगे प्लेयर स्टैट्स को लेके, टैमी बीमोंट हेड टू हेड 2 मैच 27 रन, वेन्यू पे बात करेंगे 1 मैच 27 रन रिसेंटली 27, 52, 150, 10, 59। बी स्मिथ को लेके बात कर लेंगे हेड टू हेड 1 मैच में 58 रन, वेन्यू पे 1 मैच 58 रन रिसेंटली 58, 9 रन 2 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 113। सरन को लेके बात करेंगे हेड टू हेड 1 मैच में 25 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 25 रन रिसेंटली 25, 18, 13, 48, 76। ध्यान रखिएगा गजब की टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और मिनी जीएल जीएल में आप अगर यहाँ पे इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी आती है तो सीबीसी भी देख के जा सकते हो सरन को। फिर पेज, ये भी शानदार प्लेयर हैं, हेड टू हेड 1 मैच 2 रन, लास्ट मैच में फुल टॉस बॉल पे बस अब बाउंड्री लगाने चले गए थे, बाउंड्री पे पिंडरगस्ट कैच कर ली थी। उसके अलावा वेन्यू पे भी 1 मैच में 2 रन रिसेंटली 2-21, 7-31, 49। जी एडम्स हेड टू हेड 1 मैच 16 रन 0 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 16 रन 0 विकेट रिसेंटली 16 रन 0 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 57 रन 4 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 14 रन 2 विकेट। बैटिंग फर्स्ट में सीबीसी की अच्छी मटेरियल होंगी। हॉली आर्मिटेज हेड टू हेड 1 मैच में 4 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 4 रन रिसेंटली 4-15, 19-44 और 0। मैडी विलियर्स हेड टू हेड 1 मैच में 35 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 35 रन 1 विकेट रिसेंटली 35 रन 1 विकेट, 5 रन 3 विकेट, 14-13 रन 0 विकेट, 6 रन 2 विकेट। इसके अलावा कैटे क्रॉस हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट, 8 रन 3 विकेट, 68 रन 6 विकेट, 6 रन 6 विकेट। इसी वोंग हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट रिसेंटली 2 विकेट, 15, 1 रन 1 विकेट, डू नॉट बॉल, डू नॉट बैट, 4 रन 1 विकेट। मैंने हमेशा से कहा है अगर इसी वोंग के ऊपर ये लोग ट्रस्ट दिखाती है ना तो इनके पास गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों में अद्भुत टैलेंट है। बस दिक्कत एक है, कभी इनको 2 ओवर देना, कभी इनको 1 ओवर देना। महिका गौर हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट रिसेंटली 1 विकेट 3 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट। सी पेवली हमारे पिछले मैच की कप्तान, सामने राइटी भरे पर हैं तो फिर आपके लिए अच्छे खासे सीबीसी के मटेरियल हो सकते हैं। हेड टू हेड 1 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट रिसेंटली 3 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 12 रन 3 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात कर लें तो आपको दिखेंगे कैटे क्रॉस, महिका गौर, एवोंग। डेथ को लेकर बात करें मैडी विलियर्स, जी एडम्स, सी पेवली और अगर ये पेसर के साथ जाते हैं तो कैटे क्रॉस। बेंच पे हन्ना वेकर, उसके अलावा रैना मैकडोनाल्ड और के जियोर्स। मुझे लगता है यहाँ पे ये मे भी बेंच वाले प्लेयर को मौका दे सकते हैं, वैसे भी जितना तो उसी को है। स्पेशली हन्ना वेकर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस विकेट पे गजब की पिक हो सकती है क्योंकि सामने जो है वो
राइटी भरे पड़े हैं, तो लेग ब्रेक गेंदबाज हन्ना वेकर ठीक ठाक आपके लिए पिक भी हो जाएंगी मिनी जीएल जीएल में, आप इनको वीसी भी देके जा सकते हो। रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और डू नॉट बॉल करके आ रही हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं आयरलैंड ओमैन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। ओपनर गैबी लुइस के साथ आएंगी एमी हंटर, फिर ओडला पिंडरगस्ट, एल पॉल, रेरिका स्टोकल, ए केनिंग, एफ फॉब्स, ए कैली, एफ सर्गेंट, देन आफ्टर ए मैग्योर और जे मैग्योर। गेंदबाजी में ए मैग्योर और एफ सर्गेंट दो जबरदस्त पिक हो जाएंगे आपके लिए, फिर तीसरा जे मैग्योर, चौथा ए केनिंग, उसके बाद ओडला पिंडरगस्ट और एडलिन कैली। वैसे तो अगर ये पाटा विकेट होती ना या फिर पेसर्स फ्रेंडली विकेट होती तो पहला दूसरा नाम आता वो पिंडरगस्ट और एडलिन कैली की। बल्लेबाजी में टीम डिपेंड करेंगी गैबी लुइस हंटर और ओडला पिंडरगस्ट के साथ एल पॉल पे कि ज़्यादा, अगर ये चार में से कोई दो चलती हैं तो हो सकता है ये टीम टक्कर भी दे दे। अगर हम बात कर लेंगे प्ले स्टैट्स को लेकर, गैबी लुइस हेड टू हेड दो मैच में 38 रन, वेन्यू पे एक मैच में 2 रन, रिसेंटली 2.72079। एमी हंटर हेड टू हेड दो मैच में 16 रन, वेन्यू पे एक मैच में 1 रन, रिसेंटली 1.18237। ओडला पिंडरगस्ट हेड टू हेड 3 मैच में 69 रन 1 विकेट, जबकि लास्ट मैच में ही 50 प्लस की थी। फिर वेन्यू पे एक मैच 52 रन 0 विकेट, रिसेंटली 52 रन 0 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 76 रन 2 विकेट, 29 रन 2 विकेट। इनके अलावा अगर हम बात कर लेंगे ओडला पिंडरगस्ट के अलावा तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी एल पॉल, वेन्यू पे 2 मैच में 1 मैच में 2 रन, हेड टू हेड 2 मैच में 2 रन, रिसेंटली 2.22119। एक केनिंग हेड टू हेड 1 मैच 35 रन 0 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 25 रन 0 विकेट, रिसेंटली 25 रन 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। रेविका स्टॉकल हेड टू हेड 1 मैच में खाता नहीं खुला है, वेन्यू पे भी वही हाल है, रिसेंटली 0.3548। एस फॉक्स को लेके बात कर लेंगे हेड टू हेड 1 मैच में 2 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 2 रन, रिसेंटली 2.02304 रन 1 विकेट। एडलिन कैली हेड टू हेड 2 मैच में 2 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 रन 0 विकेट, रिसेंटली 1 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 35 रन 1 रन 3 विकेट। जेन मैग्योर हेड टू हेड 2 मैच में 1 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 0 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट 1 रन 0 विकेट 2 विकेट। ध्यान रखिएगा ये डेथ में लास्ट मैच में गेंदबाजी डालने आई थी। एफ सर्गेंट को लेकर बात कर लेंगे, ये भी लास्ट मैच 19 में ओवर डालने आ गई थी, हेड टू हेड 1 मैच में 9 रन 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 9 रन 3 विकेट, रिसेंटली 9 रन 3 विकेट 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट 3 रन 1 विकेट, 16 रन 1 विकेट। ए मैग्योर हेड टू हेड 1 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली ध्यान दीजिएगा 3 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 10 रन 0 विकेट। स्टार्टिंग ऑर्डर को लेकर बात कर लेंगे, आपको दिख जाएंगी एक कैनी ओडला पिंडरगस्ट और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी एडलिन कैली। डेथ में ओ पिंडरगस्ट, ए मैग्योर, एडलिन कैली डालना चाहिए, लेकिन पिछले मैच में जे मैग्योर और एफ सर्गेंट आई थी। उनके अलावा बेंच पे दिखेंगी सी कुल्टर, एस फॉक्स में भी आपको बेंच पे दिखे इस मैच में, और आपको यहाँ पे दिखेंगी यू रेमंड, शायद इनमें से कोई खेले, खेले भी तो ध्यान नहीं देना है। और दोस्तों एक्सएल 11 के ऊपर चल रहा है अभी जबरदस्त लीडर बोर्ड सीपीएल में। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में टॉप रैंक पे आ जाते हो 30 अगस्त से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में, तो आप लेके चले जाओगे F1 15, रैंक 1 पे आते हो तो 2 पे F1 14 है, ऐसे करके 6 से 8 के बीच में भी आते हो तो मोबाइल लेके जाओगे जहाँ पे अभी फ्रेश एप्लीकेशन है, तो नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे एप्लीकेशन आगे जाएंगी वैसे वैसे यूजर आते जाएंगी, लेकिन इसके कुछ की फीचर्स मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले देख लीजिए 21 से 30 के बीच में भी अगर आप रैंक लेके आते हो तो कुछ ना कुछ गैजेट्स आप लेके चले जाओगे, वही नहीं। अब आई एम की फीचर्स को लेके बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी की फीचर्स दूसरे ऐप की तुलना में एक्सेल 11 की जो कमीशन है वो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे अगर दूसरे ऐप पे खेलते हो आपको जहाँ लगेगा 1749 ये मेहज लेंगी 1649। फिर और भी देखिएगा, और भी कंटेस्ट की तुलना में आप 151 36 29 13 बचा सकते हो। यही नहीं, TDS प्लस GST फ्री है, साथ में इंस्टेंट विड्रॉल्स हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको और भी ढेर सारे गिव अवे और PR फैमिली के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल गैजेट्स जो है लीडर बोर्ड के रूप में आएंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट कुछ भी अमाउंट करते हो, चाहे 2000 करते हो, चाहे 4000 करते हो, चाहे 10000 करते हो, चाहे वो 50000 करते हो, तो आपको 100% बोनस मिलेंगे। उसके लिए आपको कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है डिपॉजिट के टाइम में, और उसका यूज यहाँ पे 100% होगा, दूसरे ऐप की तरह नहीं कि यहाँ पे बस परे रहेंगे, ठीक है। तो भाई आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे दिखेगा एक्सेल 11 ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड करनी है और अपनी सफर को आज से ही एक्सेल 11 पे शुरू करनी है। भाई हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके, तो मैंने विकेट के पीछे लिए एस स्मेल को, अभी के लिए मैंने जो है अपनी टीम में टैमी बिमोंड को जगह नहीं दिया है,
फिर मैंने बैटिंग से लिए पेज को, ऑलराउंडर से जी एडम्स, ओडला पिंडरगस्ट, मैडी विलियर्स को, बॉलिंग से कैटी क्रॉस, महिका गौर, आई वॉन्ग, एफ सर्गेंट, ए मैग्योर और सी पैवली को। कैप्टनसी की बार मैंने सौंप पे यहाँ पे सी पैवली और वीसी मैंने दिए जी मीन यहाँ पे मैडी विलियर्स को। पता नहीं जी एडम्स का नाम बार बार अंदर से क्यों निकल रहा है, मतलब हो सकती है आज के मैच में कैप्टनसी की पिक हो जाए, जी एडम्स मेरे फाइनल टीम में भी ये कैप्टन हो सकती है। इनके अलावा ओडला पिंडरगस्ट, कैटे क्रॉस और जिस तरीके से एवं गेंदबाजी की है, आप इनके ऊपर भी वीसी के आप फिर कैप्टन का दाव लगा सकते हो। मेरे अभी कैप्टन है पैवली, वीसी है मैडी विलियर्स। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर हमारे टीम में कुछ भी फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।